नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल निशा कंप्यूटर में। भाई सर, आज हम देखेंगे दोस्तों कि HP DCET 5821 के प्रिंटर के स्कैनर को कैसे सर्विस करते हैं, कैसे साफ करते हैं। अगर आपका प्रिंटर का स्कैनर HP DCET 5821 का, अगर आपके प्रिंटर का स्कैनर अगर 5 टाइम ब्लिंक कर रहा हो, ठीक है, या फिर आपका स्कैनर काम नहीं कर रहा है, तो कैसे उसका प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करना है वो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और HP के गाइस दोस्तों, जितने भी प्रिंटर आते हैं इंकजेट डिसजेट, अगर उसमें 5 टाइम ब्लिंक आ रहा है तो उसका 99% चांस है कि उसके स्कैनर का ही वो इशू है। ठीक है, सबसे पहले आपको कुछ स्क्रू खोलने होते हैं, जैसे कि एक यहाँ है, एक ये दो, ठीक है, ये दो प्रिंट दो हो गए। इसके बाद ठीक है, ये दो स्क्रू खोल दिए। इसके बाद इसे बैठा देना है, और यहाँ पे भी दो स्क्रू है, देखिए ये एक स्क्रू है और यहाँ पे दूसरा, तो इन दो स्क्रू को भी हमें खोल देना होगा। इस वीडियो को मैं कट नहीं करना चाहूँगा दोस्तों, इसमें बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं करूंगा मैं। ठीक है, खोल दिया मैंने, और अब इसे खोलने के लिए हमें इस तरह से उठाना है, ठीक है, और इसे इस तरीके से उठाना है। और एक चीज़ और, यहाँ पे नीचे इसके स्ट्रिप होती है, पट्टी होती है, जो कि आपको बहुत ही सावधानी से खोलनी होती है। ठीक है, उसे खोलने के लिए आपको सबसे पहले इसे आराम से खोलना है, ठीक है, और थोड़ा डिटेल में और दिखाना चाहूँगा मैं कि, ठीक है, ये देखिए ये इसकी ब्लैक स्ट्रिप है, इसे इस तरीके से पकड़िए और ऊपर खींच लीजिए आसानी से। और यहाँ पे एक इसकी वाइट स्ट्रिप है, इसे भी आसानी से इस तरीके से पकड़ के उठा दीजिए, और ये स्कैनर इजीली निकल जाता है। ठीक है, और अब हमें दोस्तों स्कैनर पे काम करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो स्ट्रिप वगैरह होती है, इसकी एक आध पिन अगर मुड़ गई तो आपका 5 टाइम ब्लिंक दिखाने लगेगा प्रिंटर में, या 5 एरर भी आ सकता है, 05E05 इस तरह के से। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अब क्या करना है, स्कैनर सर्विस करने के लिए, खोलने के लिए, ये सारे स्क्रू जो सिल्वर कलर के हैं इन सबको खोलना होगा। ठीक है, तो इन्हें इस तरीके से खोल लीजिए आप। ठीक है दोस्तों, ये सब खोल लीजिए इस तरीके से स्कैनर को। उसके बाद इसे यहाँ से उठा दीजिए, पहले इसे खोलना होगा, यहाँ पे पिन लगा होता है। अगर इस ये सारे पिन भी अगर एक भी मुड़ा रहेगा आपका, तो स्कैनर में 5 टाइम एरर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसे सिंपली इस तरीके से रख लेना है। ओके, इस तरीके से रखने के बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे तो एक लॉक रहेगा, ये देखिए ये वाला, ठीक है, इसे ऊपर उठाना है। ठीक है, ऊपर उठाना है, ये कुछ इस तरीके से होता है, मैं ड्राइंग के माध्यम से बताता हूँ आपको। सो गाइस देख लीजिए, ये कुछ इस तरीके से होता है, ये पूरा लॉक होता है। ठीक है, ये यहाँ पे बीच में इस तरह से इसे सिर्फ ऊपर इस तरीके से उठाना होता है, और इसे ऊपर इस आगे से उठा के ऊपर ढकेल देना है, तो ये खुल जाता है स्कैनर, देखिए इस तरीके से, ये यहाँ पे है। ठीक है, ठीक है, और ये आसानी से खुल जाएगा आपका स्कैनर पूरा। ठीक है,
और स्कैनर खोलने के बाद सबसे पहले तो इस कांच को अच्छे से आप साफ कर लीजिए कॉटन के कपड़े। मेरे पास ये रुमाल है तो मैं इससे साफ कर लेता हूँ। ठीक है, आईपी वगैरह भी आप मार सकते हो इस पर। थोड़ा पानी लेके आप इस तरह से कॉटन के कपड़े पे पानी लेके आप इस तरीके से अच्छे से साफ कर दीजिए पूरा। ठीक है, कि उसके बाद ये साफ होने के बाद इसके बाद हमें इस पर काम करना होगा। इस पर काम करने के लिए भी बहुत बारीकी से दोस्तों काम करना, बहुत बार धुंधले वगैरह स्कैनर में आते हैं तो इसके प्रॉब्लम होते हैं। तो आपको क्या करना है, ये स्ट्रिप ये जो होता है कांच का, इसे कॉटन के कपड़े से, मैं अपना रुमाल ले ले रहा हूँ, ठीक है, इसे उठाना है और इसे कॉटन के कपड़े से अच्छे से हल्के से साफ कर देना है। ठीक है, ये जो ऊपर का इसके स्कैनर है जो एकदम लाइट दिख रहा है, ठीक है, चमक रहा है, जो इसी की वजह से, ये जो वाइट कलर की स्ट्रिप है इसी की वजह से हमारा प्रिंट स्कैन होता है। ठीक है, और बहुत जन इस बार ये निकालने के बाद बहुत जन कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि बैठा बैठा नहीं पाते हैं, तो ये बराबर बैठेगा नहीं इस तरीके से बैठा। तो आपके क्या करना होगा, ये जो स्ट्रिप है ये पतली वाली, ये इसके बीच में बैठती है ये इस तरीके से, ये इसे आपको इस तरीके से करना होगा। जब ये ऐसा होगा उसके बाद ये एक लाइन में पूरा आ जाएगा। ठीक है, देखें ये अच्छे से भी बैठ चुका है, एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ जी, ये अब अच्छे से बैठ चुका है। तो गाइस इसमें ज़्यादा कुछ काम नहीं रहता, आपको स्ट्रिप चेंज करना होता है, स्कैनर को अच्छे से साफ करना होता है। अगर स्कैनर साफ करने के बाद भी अगर फाइव टाइम आपका एरर सॉल्व नहीं होता या सोल्यूशन नहीं होता तो आपको ये स्ट्रिप के केबल ये सब चेंज करके देखना होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे जेरोक्स मारते हो आप, साइड साइड में ब्लैक ब्लैक कलर की पट्टी आती है, तो उसमें मोस्टली आपका केबल का इशू रहता है, आपको केबल चेंज करना रहता है। ठीक है, केबल चेंज करने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो ये इस प्रिंटर में फ़िलहाल ये इतना ही, और ये इंकजेट प्रिंटर के स्कैनर के जितने भी हैं एचपी के, सब में यही प्रॉब्लम होता है। अब फाइव टाइम एरर में आपको स्कैनर फिर ये स्ट्रिप्स ये सब चेक करना होता है, इसका यही सोल्यूशन होता है, और इससे ज़्यादा इसमें कुछ काम नहीं होता है, बहुत आसान होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगी आई होगी, और भी कुछ और कुछ आपको पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।